यूपी के बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर, 6 लोगों की मौत जबकि 15 यात्री घायल। घायलों में 4 की हालत गंभीर, सभी को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ ट्रोमा सेंटर में रेफर किया गया। एम्स का ई हॉस्पिटल डेटा रिस्टोर किया गया, कामकाज अभी मैनुअली किया जा रहा है। सिस्टम सैनिटाइज करने में 4 दिन लगेंगे। गुजरात में पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार थमा। मोरबी, कच्छ सहित 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग, 788 उम्मीदवार मैदान में। गहलोत पायलट को साथ लाकर वेणुगोपाल बोले, दिस इज राजस्थान कांग्रेस। सीएम बोले, हम सब एसेट है। सचिन ने कहा, कोई उकसा नहीं सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा में कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव में पहुंची। रोडवेज में ई टिकटिंग, सिरसा मेडिकल कॉलेज और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना की शुरुआत। खबर देहरादून से, चीन बॉर्डर पर भारत अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज। LAC पर रूसी हेलीकॉप्टर से पहुंचे दोनों देशों के सैनिक। राजस्थान की तर्ज पर 1.5 करोड़ कर्मचारी मांगेंगे OPS। 8 दिसंबर को देश भर के सरकारी कर्मचारी करेंगे दिल्ली कूच, जंतर मंतर पर देंगे धरना। परमाणु हथियार को लेकर बड़ा दावा, 2035 में चीन के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। अमेरिका बोला, बेहद चिंताजनक है। रूस के पास अभी सबसे ज्यादा, भारत के पास केवल 159। इसराइल के हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत। 2022 में मारे गए थे 200 लोग। 2006 के बाद सबसे ज्यादा मौत इस साल हुई। खबर झालावाड़ से, सामूहिक अवकाश को लेकर बड़ी खबर। न्यायिक कर्मचारी आज से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अदालतों में प्रभावित होगा कामकाज।